इन्हीं शिक्षा मित्रों, इन्हीं अनुदेशक के अंदर रहकर डेवलप होना है। हर आदमी की कुव्वत नहीं है कि वो फीस की लाइन में लगकर 4000 रुपया वाले उस क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा सके। हर आदमी की औकात नहीं है कि वो बहुत बड़े संस्थान में या बहुत बड़े संस्थान में जाके अपने बच्चे का एडमिशन करा सके। वो ढूंढता है प्राथमिक विद्यालय को कि दोपहर का नाश्ता घर से नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि इस महंगाई में उसके घर पर राशन नहीं है, उसके घर पर भोजन नहीं है जो बैग में रख के बढ़िया टिफिन बना के बढ़िया अचार रख के बढ़िया मलाई के कोफ्ते लगा के उसे भेज दे बच्चे को। वो सूखा टिफिन भेजता है और कहता है जब बच जाए तो उधर से जो खिचड़ी मिड डे मील का जो भोजन हो थोड़ा सा रख लाना टिफिन में, मैं अभी खा लूंगी। उसकी माँ की ये अपेक्षा है। मिश्रा जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो मंच आपने दिया है इन लोगों को, ये बहुत बड़ा हथियार है, इसका ये प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे भाई। जहां पर जो शिक्षा मित्र पीड़ित है, जहां पर जो चीजें हैं, उनको बोलो कि एक वीडियो बनाए उसका और आपको भेजे, ठीक है। और जब चाहे ये वो लाइलाज मरीज हैं जिन्हें ठीक भी होना है, लेकिन जब ये वीडियो आपके माध्यम से पूरे प्रदेश में चलेंगे, जब पूरे प्रदेश में चलेंगे, किसकी आंख नहीं खुलेगी, मैं बता रहा हूं। अभी देखो केजरीवाल जी ने क्या बोला, जो रिश्वत मांगे उसका वीडियो बनाओ आप। ये उस आलसी की तरह है कि पेड़ के नीचे एक आलसी सो रहा था। मिश्रा जी, इनको चाहिए सब कुछ, इनको सब कुछ चाहिए, पर समस्या क्या है, कहते हैं कि आजाद पैदा होना चाहिए पर पड़ोसी के घर में, हमारे घर में नहीं, क्योंकि फांसी उसको लगे, फायदा हमें हो। जिस लड़ाई को हमारा लड़ रहे हैं, सारे लोग लड़ रहे हैं, उसका फायदा यह है कि उसमें कहीं ना कहीं इनको भी खड़ा होना पड़ेगा। आप दीजिए, इन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, इनका नाम नहीं आएगा, चीजें नहीं होंगी, पर लेकिन आज की डेट में सोशल मीडिया आपकी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि आप जिसका चाहे जो चाहे करवा सकते हैं उसमें, क्योंकि एक्शन 2 घंटे में 4 घंटे में होगा। मनोज जी, मैं एक आपको बात बताऊं, ये वो लाइलाज लोग हैं, पेड़ के नीचे एक आलसी सो रहा था, पका हुआ आम गिरा, दूसरा बगल में एक आलसी सो रहा था, दोनों के बीचा बीच में गिर गया, तो वो तो चाह रहा था कि वो आम उठाए और मेरे मुंह में निचोड़ दे, वो चाह रहा था कि ये उठा के मेरे मुंह में निचोड़ दे। दोनों में बहस हो रही थी कि भाई आम तो देख ले गिर गया, तो उसने कहा तू ही देख ले, वो कह रहा था नहीं भाई तू देख ले, मेरे से कुछ दूर पड़ता है, तू उधर से बड़ा जा। तब तक उधर से निकलते हुए विक्रम सिंह जा रहे थे, उनने कहा आम बड़ा सुंदर पड़ा हुआ है, भूख भी लग रही है, दोपहर का भोजन हो जाएगा, जरा ये इधर उधर हो। तो इसी दौरान वो दोनों आलसी करवट ले लिए कि हम कोई ना कोई तो हमारे मुंह में डाल देगा। विक्रम सिंह ने देखा दोनों ने करवट ले लिया, तो विक्रम सिंह बीच में घुसे, अपना आम उठाया, थैले में रखा और राम नाम करते हुए आगे बढ़ गए। 2 मिनट बाद उन्होंने करवट लिया तो आम नहीं था, वो दोनों आपस में लड़ने लगे कि तू ने उठा लिया होगा कि तू ने उठा लिया होगा। जमकर मारपीट हुई, तो दूसरा एक अधपका लगा था वो भी गिर गया, मिला वो भी उन दोनों आलसियों को नहीं। ये वो लोग हैं, ये नहीं कुछ करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि शिव कुमार मिश्रा और सुरेंद्र दुबे की जिम्मेदारी है, वो हमें 17,000 रुपए वेतन दिलवा देंगे तो ठीक है, नहीं दिलवा देंगे तो मेरा थोड़ा ही नुकसान कुछ किए दे रहे हैं, हमें तो मिलना ही है। कभी कभी हमें अपना किस्मत लिखने कई कई बार मौका मिलता है, फिर हम कहते हैं कि हमें मौका तो मिला था, लेकिन जब मौका मिला था तब हमने वक्त का प्रयोग नहीं कर पाया और वो वक्त चला गया। मैं भी इनके लिए कोई सालों प्रोग्राम थोड़ा ही करता रहूंगा, ना मैंने कोई टेंडर इनका खरीद लिया है कि नहीं, 5 साल तक पीपीसी के माध्यम से, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के माध्यम से आप ये प्रोग्राम करेंगे और इसके माध्यम से जो इनकम होगी वो आप खाएंगे, ना तो मुझे इससे कोई बेनिफिट आप धन का हो रहा है। हाँ, मेरे समय का